वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजरंगी व्लॉग। तो आज का टॉपिक तो थंबनेल पे देखा ही हो। फास्ट में कुछ खा लेता हूँ, मैं अलग खाई लो तार पीछे मैं कैसे या हावर मांग खो। मेरा इस ब्लॉग पे एक लड़की के लिए क्या क्या इम्पोर्ट है ये सब चीजें दिखाऊंगा, तो मेरा घर में दिखाऊंगा। एक लड़की का हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आइए वो क्या क्या है देखते हैं। साउक सुना हो कमी छाऊ और एक चैनल है, इस पर मैं समझाता हूँ वो बैठ के, तो ये लिंक दिया ही होगा इधर, तो उस पर क्लिक कर देना। मिर्ची का खेत की को हमेशा ये सब चीज का चटनी खाना है। ये देखा ना, पुदीना है, ये बोला था मानी मुनी का पत्ता लिप्स। ये लिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है लड़की का हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है एक लड़की का हीमोग्लोबिन को, क्योंकि फ्यूचर में आगे बढ़ा फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए उसको हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 से 13 साल से स्टार्ट होता है एक लड़की का जिंदगी का हेल्दी रहना। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो देखिए ये पुई शाक का पत्ता है, पुई शाक देखो, ये खाना बहुत खाना ही है, भाजी बना के देखो, देख लो गाछ से उसका जो फूल एक निकलता है वो फूल भी खाना, वो केला गाछ से ये खाना, ये जो डेंगा है ये सब चीज भी खाना है, कभी पत्ता खाना है चटनी बना के, ये धनिया देखो, ये कछु है, दूध कछु है, इसको भी खाना चाहिए एक लड़की को गुड हेल्थ के लिए। देखो घर में तो इतना अच्छा कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो आप लोग जाइए हेल्दी फूड आप सर्च करिए, सर्च करके हेल्दी फूड क्या क्या है वो देख के आप लोग खरीद लीजिए। खरीद के आप लोग हमेशा से आपका जो तिरंगा होता है, फ्लैग जो होता है इंडियन फ्लैग, उसकी तरह सजा लेना अपने थाली को, दाल सब्जी साग। तो गाल सुन रहे हो ना आप लोग, हमेशा याद रखना अपनी थाली तिरंगा की तरह होना चाहिए, नींबू भी खाना उसके साथ। तो अपना लोगों को कैसू जे एता जातियों को जातियों पटका डरे हो बोला ही अपना स्वालीर थाली होन फ्यूचर में जाके पता चलेगा आप लोगों को, जब लड़की का 20 साल 21 साल होगा तब पता चलेगा। द्वितिया अपना लोगों को बुझी हो बुझे हीमोग्लोबिन किमान दरकार, एक लड़की का गुड हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा एक दिन। तो जय हिंद, जय भारत, जय अहोम। तो आज यहीं खत्म करता हूँ, हमेशा गुड हेल्थ, बी हेल्थ, बी हेल्दी। ये सब जो मैं बताया है तो लड़की को, तो आप लोग सुन रहे हो ना, तो ये सब हमारा मम्मी एक NHM कर्मी है, आशा है, उन लोगों को ट्रेनिंग में समझाया था लड़की को कैसे रहना है, लड़की का फूड कैसा होना चाहिए। और ये सब फास्ट फूड छोड़िए, खाइए एंजॉय के लिए, कभी कभी बदबूदार गैस भी जाएगा ये सब हेल्दी फूड खाने से।